कचरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई पिया सिंगार, फिर भी इतनी सुंदर हो। साल 1994 में आई सुपरहिट फिल्म मोहरा तो आपने देखी ही होगी, जिसकी एक्शन ड्रामा कहानी में कलाकारों के तौर पर अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, परेश रावल, नसीरुद्दीन शाह और सदाशिव अमरापुरकर नजर आए थे। जिस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया और जिसके गाने भी एक टाइम पर खूब पसंद किए गए थे, जिनमें तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त, सुबह से लेकर शाम तक तथा टिप टिप बरसा पानी, जिसने तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल ही मचा दिया था। तो चलिए दोस्तों, जानेंगे आज इसी फिल्म में अभिनेता सुनील शेट्टी के अपोजिट काम कर चुकी अभिनेत्री पूनम जहावर के बारे में। वैसे तो इनका इस फिल्म में कोई खास बड़ा रोल नहीं था, लेकिन इन पर फिल्माया गया इस फिल्म का बड़ा ही खूबसूरत और मनमोहक गाना ना कजरे की धार ना मोतियों के हार, जिसके जरिए ये इसी गाने की हीरोइन के तौर पर आज तक याद की जाती हैं। वैसे तो पूनम झावर ने हिंदी की कुछ और भी फिल्मों में काम किया है, लेकिन इनकी अमिट पहचान बनी इसी गाने से, जिसमें यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता से लिपटी हुई नजर आती हैं। तो आइए जानते हैं इनके जीवन और फिल्मी सफर के बारे में। इनका जन्म 14 अगस्त सन 1976 को भारत के राजस्थान प्रदेश में हुआ, लेकिन जन्म के कुछ दिनों बाद ही इनका पूरा परिवार मुंबई शहर चला गया, जहाँ से इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की और फैशन की दुनिया में भी कदम रख दिया। और अपने शानदार मॉडलिंग और लुक के चलते इन्होंने कई ब्रांडों के लिए मॉडलिंग भी की, जिनमें जीन्स, डव, साबुन, पनीरी साड़ियाँ और ड्रेसों के कई ब्रांड शामिल हैं, जिनके जरिए इन्होंने काफ़ी नाम बना लिया। और इनकी शोहरत का जिक्र मोहरा के निर्देशक राजीव राय तक पहुंचा, जो कि अपनी फिल्म में सुनील शेट्टी के अपोजिट किसी हीरोइन की तलाश कर रहे थे। और इस तरह से पूनम झावर से मिलने के बाद निर्देशक राजीव राय की वो तलाश खत्म हो गई और उन्होंने पूनम झावर को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया। लेकिन इस फिल्म में पूनम का किरदार वाकई काफ़ी छोटा था, इसीलिए पूनम इस फिल्म में काम करते समय सोच रही थी कि पता नहीं मुझे इस फिल्म से कितना फ़ायदा होने वाला है। खैर, फिल्म बनकर रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और ख़ासकर इस फिल्म के गाने, जो कि आज तक खूब सुने जाते हैं, और इसीलिए इस फिल्म में काम कर चुकी अभिनेत्री पूनम झावर भी आज के समय के कई हिंदी सिने प्रेमियों के दिलों की धड़कन हैं। खैर, अपनी पहली सफल फिल्म मोहरा के बाद इन्होंने एक दो और फिल्मों में काम किया, लेकिन उन फिल्मों से इन्हें कोई खास पहचान ना मिल पाई। इसके बाद इन्होंने फिल्म प्रोडक्शन के तहत सन 2003 की फिल्म आज को प्रोड्यूस भी किया, जिसमें पूनम झावर के साथ साथ नाना पाटेकर, परेश रावल और आयशा जुल्का ने काम किया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक औसतन फिल्म साबित हुई। लेकिन इस फिल्म के लिए इन्होंने एक गाने को जरूर रिकॉर्ड किया, जहां से इनके करियर की एक नई दिशा बन गई। इसके बाद इन्होंने कुछ म्यूजिक एल्बम में भी काम किया, लेकिन इन्हें कहीं से भी कोई तगड़ी सफलता ना मिल पाई। और फिर सन 2012 की फिल्म ओह माय गॉड में इन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जिसे देखकर इनके चाहने वाले हैरान रह गए। जी हाँ, आपको बता दें, इन्होंने फिल्म ओह माय गॉड में साध्वी गोपी मैया का किरदार निभाया, जो कि साधुओं के ग्रुप की मुख्य महिला दिखाई जाती है। और फिर पूनम झावर अपने करियर की अंतिम फिल्म आर राजकुमार में काम करती दिखी, जो कि सन 2013 में रिलीज हुई। आपको बता दें, इसी के साथ इन्होंने सन 2011 की मराठी फिल्म संसारची माया में भी काम किया और साथ ही अन्ना हजारे के साथ भारत में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अनशन के दौरान अपना समर्थन देते हुए पूनम झावर ने भारत में लोकपाल कार्यालयों की स्थापना के लिए जन लोकपाल विधेयक का भी समर्थन किया तथा वर्तमान समय में पूनम झावर भारत भर में महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करने के लिए विभिन्न महिला समूहों और गैर सरकारी संगठनों के लिए काम कर रही हैं। अगर आप इनसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो इनके ऑफिशियल इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप इनकी लाइफस्टाइल के फोटोज और वीडियोज को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी सन 1994 की सुपरहिट फिल्म मोहरा से प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री पूनम झावर की, जो कि आज तक सिर्फ एक ही गाने से ज़्यादा याद की जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें तथा ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ,
ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।